जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके, बिहार में भी सारा कैंडिडेट जैसे मैंने यहां किया है वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात रखिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप बिहार के 4400 लोकसभा सीट का सबसे तेज नतीजा देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर मतों की गणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं, मतगणना का कार्य बिहार में शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, पप्पू यादव ने अपने वर्कर को, वॉलेंटियर्स को अलर्ट कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी होगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कफन बांध कर ही आओ। महागठबंधन के कैंडिडेट्स को भी पप्पू यादव ने समझा दिया है। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया से चर्चित राजनेता, निर्दलीय उम्मीदवार, क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेमानी आप वही करना चाहते हैं ना, पोस्टल से है ना ये बेमानी का रास्ता आपका। पोस्टल का गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईपीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कॉपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को, काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम हो। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्यीय लॉयर रहेंगे सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, सारे सीनियर लॉयर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी जी ने हर लोकसभा में 5 सदस्यीय लॉयर किया है। मैं चाहूंगा बिहार में भी सारा कैंडिडेट जैसे मैंने यहां किया है वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात रखिए हर कीमत पर, ताकि कानूनी प्रक्रिया के साथ हमारी लड़ाई जारी रहे। हम हर तरह से सजग हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम जगे हैं, हम जीतेंगे, बिहार इतिहास लिखेगा, उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उसमें बिहार का एक नया इतिहास का अध्याय होगा। पूर्व सांसद व पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। पप्पू यादव ने अपने वर्कर्स से ये अपील किया है कि कफन बांध के आए सिर पर। देखिए, पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, काफी चर्चित उम्मीदवार रहे 2024 के चुनाव में। पप्पू यादव
पूर्णिया पप्पू यादव की वजह से हॉट सीट बना रहा, लेकिन अब आज काउंटिंग के दिन जब मतों की गणना शुरू हो चुकी है, पप्पू यादव ने ऐलान करके कहा है कि धांधली बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर की तारीफ एक और जहां पप्पू यादव ने की है, दूसरी ओर कहा है कि अगर गड़बड़ी हुई तो छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, यहां लगातार मतों की गणना से जुड़ी एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।